हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं टेक्नोवाब। आज हम बात करने जा रहे हैं फेसबुक के जो फेसबुक ऐप जो है उसका न्यू अपडेट जो आया है उससे काफ़ी सारे चेंजेस, उसके जो यूआई है उसका यूज़र इंटरफेस उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। तो हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं कि क्या क्या उसमें जो चेंजेस आए हैं उसके यूआई में। तो चलिए फेसबुक जो ऐप है उसको देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं। फेसबुक का जो ये ऐप है ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है और अपनी जो मेरी जो पर्सनल यूज़र आईडी है उससे मैंने लॉगिन किया हुआ है। तो इस तरह का जो ये यूज़र है, यूज़र इंटरफेस है, अब जो है कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, आप लोगों ने भी नोटिस करी होगी कि जो इसका पहले नोटिफिकेशन बार था ये ऊपर की तरफ था, बट अब ये जो है ये नीचे की तरफ आ गया है। इस तरह से यहाँ पर सारे नोटिफिकेशन आ रही है और ये जो बाकी सारी चीज़ें सेटिंग वगैरह थी वो सब इधर नीचे को आ गई हैं। तो इससे इसका जो यूज़र इंटरफेस है ये काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है पहले के मुकाबले। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसका यूज़ किया था तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था इसको यूज़ करने में, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसको यूज़ करते करते काफ़ी अच्छा लग रहा है और पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस तरह का यूज़र इंटरफेस जो है पहले आप लोगों ने iOS में भी देखा था, पर अब ये एंड्रॉयड में भी आ गया है। आपने आईफोन वगैरह में देखा था कि जो इसका यूज़र इंटरफेस था कुछ इसी तरह से था और अब ये इन्होंने एंड्रॉयड के जो वर्ज़न है उसमें भी दे दिए। तो इसका जो ये मेन्यू दिया हुआ है इसमें हम सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पर ये मेरा प्रोफाइल पिक दिखा रहा है और ये मेरा पेज दिखा रहा है, इंस्टाग्राम का जो है ये दिखा रहा है, फिर उसके बाद रीसेंट में दिखा रहा है ऑफ़र, डिस्कवर पीपल, मोस्ट रीसेंट। मोस्ट रीसेंट में ये जो भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो दिखा रहा है और ये मेरा ग्रुप है जो मैंने ज्वाइन किया हुआ है, फाइंड फ्रेंड्स, एक्सप्लोर फीड्स, रिकमेंडेशंस, बाय एंड सेल ग्रुप्स, शॉप्स, नियर बाय फ्रेंड, मोमेंट्स फॉर एंड्रॉयड, नियर बाय प्लेसेस, कई चीज़ें इसमें नई दिख रही हैं जिसमें ये मूव्स क्या है ये इसमें देखते हैं। मूव्स क्या चीज़ है, मूव्स मेरे ख्याल से इसका कोई फेसबुक का कोई एक्टिविटी ट्रैकिंग विदाउट गैजेट, ये मेरे ख्याल से एक फिटनेस है, ट्रैकर है जिससे मतलब आप देख सकते हैं आपने कितना कैलोरी वगैरह बर्न किया, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है, आप कितने स्टेप चले, ये चीज़ है। और ये दूसरी चीज़ें इसमें दिख रही हैं, नियर बाय फ्रेंड्स में भी ये आपने देखा हो था, इसके पुराने वर्जन में नियर बाय फ्रेंड्स भी था। मोमेंट्स फॉर एंड्रॉयड ये भी एक फेसबुक का ही ऐप है। नियर बाय प्लेसेस, ग्रुप्स, इवेंट्स, सेव्ड ऑन दिस डे, ऑन दिस डे में जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरी शायद दिन भर की एक्टिविटी दिखा रहा है कि मैंने आज क्या क्या फेसबुक में किया है। दूसरी चीज़ ये दिखा रहा है इंस्टेंट गेम्स। इंस्टेंट गेम्स में कुछ गेम्स हैं जो हम खेल सकते हैं डायरेक्टली बिना इंस्टॉल किए, और ये सिटी गाइड्स दिख रहा है। सिटी गाइड्स में या पॉपुलर चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं आपकी सिटी के, और वेदर दिखा रहा है, स्पोर्ट्स, फोटोज़, ट्रेंडिंग न्यूज़, क्या जो ट्रेंड कर रही हैं इस समय न्यूज़ में, वो सारी चीज़ें। ऐप्स में जो आपने ऐप्स इंस्टॉल किए हैं फेसबुक में वो सारी चीज़ें दिखा रहा है। ऑफ़र मैं जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक्टिव, यू डोंट हैव एनी एक्टिव
ये ऑफ़र के बारे में कुछ बताएगा, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बाद में देखता हूँ मैं। बाकी ये सारी चीज़ें सब एक ही चीज़ में आ गई हैं अभी, ये हेल्प एंड सपोर्ट, हेल्प सेंटर, हेल्प कम्युनिटी, रिपोर्ट एंड प्रॉब्लम, टर्म्स एंड पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें जो फेसबुक के सपोर्ट के लिए, कंज्यूमर सपोर्ट के लिए दी गई थी, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। ऐप सेटिंग, नोटिफिकेशन सेटिंग, लैंग्वेजेस, न्यूज़ फीड्स, प्रेफरेंसेस, डेटा सेवर, अकाउंट सेटिंग, पेमेंट सेटिंग, कोड जनरेटर, प्राइवेसी शॉर्टकट्स हैं इसमें, मोबाइल डेटा लॉगआउट आप यहीं से कर सकते हैं। तो इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो काफ़ी हद तक बिल्कुल चेंज हो गया है। आप लोग जब इसको, अगर आप लोगों ने अपडेट नहीं किया तो आप इसको अपडेट करके, इसको यूज़ करके आप लोग भी इसका अनुभव ले सकते हैं कि ये पहले के मुकाबले जो ये इसका यूज़र इंटरफेस है आपको शायद अच्छा लगे या शायद ना भी अच्छा लगे। तो आप लोग, अगर आप लोगों ने नहीं इसको अपडेट किया है, फेसबुक का जो नया वर्जन आया है, तो आप लोग इसको इंस्टॉल करके इसको चेक करिए और इसमें मेरे वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको ये जो नया वर्ज़न है कैसा लग रहा है, और अगर कोई इसमें नई चीज़ है उसके बारे में मुझे बताइए, और अगर आप कोई चीज़ मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।